एक्सरसाइज है 12.2, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। इसमें क्या गिवन है हमें, बीटा गिवन है वो है 50 डिग्रीज 10 मिनट्स, ठीक हो गया। सी हमें गिवन है एक साइड इसकी 0.832 और गैमा भी हमें गिवन है, जो हर क्वेश्चन में हमें गिवन था वो 90 डिग्रीज है, ठीक है। इसकी हम ट्रायंगल शेप बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। ये हमारा हो गया गैमा, ये हमारा हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा, इसके अगेंस्ट ए, बीटा के अगेंस्ट बी और गैमा के अगेंस्ट सी। सी हमें गिवन है, गैमा और बीटा गिवन है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अल्फा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180। तो 180 डिग्रीज माइनस हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अल्फा फाइंड आउट करना है तो अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस गैमा माइनस बीटा, और ये आ जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज माइनस 50 डिग्री 10 मिनट्स, ठीक है। इन दोनों की जगह आ जाएगा 90 डिग्रीज माइनस 50 डिग्रीज 10 मिनट। इसको हम थोड़ा सा इजी मोड में लिख लेते हैं, तो वो आ जाएगा 89 डिग्रीज 60 मिनट माइनस 50 डिग्री 10 मिनट्स, ठीक है। अब 89 में से आप निकाल लें 50, पीछे आपके रह जाएंगे 39, और 60 में से निकाल लें 10 तो आपके बच जाएंगे 50। तो अल्फा हमारे पास आएगा 39 डिग्रीज 50 मिनट्स, ये हमारे पास आ गया अल्फा। अब हमने एक साइड हमें पता है, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, साइन अल्फा इज इक्वल टू ए बाय सी। सी हमें गिवन है और अल्फा हमें गिवन है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू ए बाय सी इज इक्वल टू, इसको हम सी इस साइड पे ले जाते हैं और साइन अल्फा को नीचे ले जाते हैं, तो सी सॉरी ए हम उधर रहने देते हैं, सी को उस साइड पे ले जाते हैं, तो ए इक्वल्स टू साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय सी। इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, साइन अल्फा की हमारे पास आ गई है 39 डिग्रीज 50 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 0.832। अब साइन अल्फा की 39 मिनट्स 50 डिग्रीज को हम इनवर्स लुकअप करेंगे, हमें डिग्रीज पता है, हमने वैल्यू निकालनी है, तो 39 50 ठीक हो गया। साइन अल्फा में जाते हैं हम, और ये साइन का टेबल है, कंफर्म कर लें साइन अल्फा, और इसमें डिग्री है हमारे पास 39 डिग्रीज 50 मिनट। हम 39 पर आके, ये हमारा 39 है, इसमें 0 10 20 30 40 एंड 50, ये हमारे पास है 0.64056 मल्टीप्लाई बाय 0.832, और ये हमारे पास कैलकुलेटर में हमें करना पड़ेगा इसको 0.64056 मल्टीप्लाई बाय 0.832, हमारे पास आया 0.53294, ये हमारे पास आ गया ए, ये हमारी साइड है। अब हमने निकालना है बी, और बी के लिए हम क्या करते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के लिए क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सी का हमारे पास वैल्यू है 0.832
-0.5329 तक ही हम लिख लेते हैं इसको, ये हमें चार वैल्यूज ही ज़्यादातर हम लिखते हैं। इसका स्क्वायर अब कैलकुलेटर में हम 0.832, सबसे पहले तो ये वैल्यू लिखी हुई है ये साइड वाली, हम इसी का स्क्वायर ले लेते हैं 0.2840, तो यहाँ पे आएगा 0.2840 और इसका 0.83 का हम 0.832 इसका स्क्वायर ले लिया 0.69222 माइनस 0.2840, हमारे पास वाली आती है 0.408224, ये हमारे पास आया बी स्क्वायर। इन दोनों का हम अंडर रूट ले लेते हैं और इसका इधर से हम अंडर रूट लें तो 0.6389, ये हमारे पास आ गई बी की वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 7 था और एक्सरसाइज ये हमारी 12.2, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, हमारी 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।